দিন সেন্ট্রাল কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট যুব কংগ্রেস কমিটি পক্ষ থেকে সহসভাপতি মোহাম্মদ সেলিমের নেতৃত্বে ঘেরাও করা হলো ইন্টালি থানা। মূলত এলাকাকে সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি মুক্ত করতে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম নেশাদ্রব্য বিক্রির বিরুদ্ধে এদিন সরব হলেন তারা। তাদের অভিযোগের তির মূলত স্থানীয় পুরমাতার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি চপার দিয়ে এক কংগ্রেস কর্মীকে আঘাত হানা ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়েছিল ইন্টালি থানায়। তাই প্রশাসনকে সঠিক পথে চলার জন্য এদিন ডেপুটেশন জমা দেওয়া হলো ইন্টালি থানায়। খুব শীঘ্রই যদি পুলিশ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয় তাহলে ভবিষ্যতে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন বলে জানালেন মোহাম্মদ সেলিম দা। আজকে মধ্য কলকাতা জেলা যুব কংগ্রেসের ব্যানার তুলে আমরা মোহাম্মদ সেলিম নেতৃত্বে ইন্টালি বরাবর কাছে এসেছি একটা সাংকেতিক প্রোটেস্ট করতে। এরিয়াতে কিছুদিন ধরে আমরা শুনছি কখনো বম চলছে, গুলি চলছে, লোক মধ্যে একটা ভয়ের সৃষ্টি হয়ে গেছে। সেই এরিয়াতে ভালো করে লোক হাঁটা চলা করুক এই প্রতিবাদে আমরা ওসিকে একটা জ্ঞাপন দিলাম। আর এরিয়াতে গাঁজা অফিম নতুন জিনিস বিক্রি হচ্ছে, এইসব বন্ধ হোক এই ডিমান্ড আমরা বরাবর সামনে রেখেছি। আপনার পুরো নাম আর ডেজিগনেশন? আমার নাম আজমল আমিন। হম লোক ইন্টালি থানা মে প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তর সে युवा कांग्रेस की जानिब से एक डेपुटेशन हम लोग थाना में दिए हैं। हम लोगों को यहाँ पे लोकल लीडरशिप सेंट्रल कोलकाता के जो हम लोगों का लोकल लीडरशिप है उनके जरिए से पता चला कि इलाके में नशा का बिक्री कराया जा रहा है। यहाँ पर इंटाली विधानसभा में काफ़ी तादाद में एंटी सोशल यहाँ पर घूमते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर चापड़ से किसी व्यक्ति को मारा गया है। तो हम लोग थाना में बड़ाओं को एक लिखित मेमोरेंडम दिए हैं। बड़ाओं बोले कि जो लोग चापड़ मारा था या जो लोग इस सब में शामिल था उसको हम लोग अरेस्ट किए हैं, वो लोग लॉकअप में है और हर महीने हम लोग NDPS का 2-3 केस करते हैं। तो हम लोग बड़ाओं से ये दावी किए हैं कि आगामी दिन में ये जो लोग नशा यहाँ पर बिक्री करा रहे हैं उन लोगों को जल्द से जल्द बिहाइंड द बार किया जाए, जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए ताकि इलाके में शांति वापस से बहाल किया जाए। यहाँ पर काउंसिलर और MLA का लड़ाई में यहाँ पर दो गुट में आपस में लड़ाई हमेशा चलते रहता है जिसके वजह से इलाके के आम लोगों को परेशानी है। तो हम लोग आज प्रदेश युवा कांग्रेस की जानिब से थाना में एक डेपुटेशन दिए हैं और बड़ा बाबू को ये पूरा हम लोग लिखित तरीके से जनाए हैं कि इसको जल्द से जल्द इलाके में एंटी सोशल को के ऊपर में नकेल कसा जाए और यहाँ पर जो लोग नशा का सामान बिक्री कराते हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, यही दावी हम लोग जनाए हैं। बड़ा बाबू हम लोग को आश्वस्त किए हैं कि हम लोग इसको और भी एग्रेसिव तरीके से थाना इसको देखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।